सोच रहे होंगे कि ये जो खास शख्स हमारे साथ बैठे हैं वो कौन है। शक्ल से तो जानते ही होंगे, साथ ही अगर आप याद करें सिलसिला कभी कभी दूसरा आदमी या फिर कहो ना प्यार है जैसे फिल्में इन्होंने लिखी हैं, और ये नहीं जना सिर्फ लिखी ही नहीं है, इन्होंने बाजार जैसी फिल्म करो के यार को हर बात याद आएगी, और फिर चिड़ी बात रात फूलों की जैसे गाने जो आज भी लोग अगर सुनते हैं चाहे वो किसी भी उम्र के हों, हमारी उम्र के, हमसे पुराने वाली उम्र के या आज की युवा पीढ़ी भी सुनती है, उनके दिल में सचमुच कुछ कुछ होता है। तो जी हाँ, हमारे साथ हैं सागर सरहरी साहब, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से एक बेहतरीन फिल्म और बाजार जैसी फिल्म बनाई जो हिंदी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर। सागर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, हम आपका खुशामदीद करते हैं। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों जो आपको बेहद चाहते हैं अपने बारे में शुरुआत से बताएं। अपने बारे में जो मेरी शुरुआत हुई है कि मैं एक बहुत छोटे से गांव में रहने वाला था, दरिया थे, पार थे, नदी नाले थे। मुझे इस बात पे बेहद गुस्सा आता है कि कौन सी ताकत थी जिसने डिसाइड किया है कि मैं अपने गांव में नहीं रह सकता, मैं पेड़ पौधों में नहीं रह सकता, मैं दरिया को मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरे अंदर एक तरह की ताकी एक बेचैनी माइंड शुरू से मौजूद हो गई और जो मुझे हमेशा डिस्टर्ब करती है, यानी मैंने अपनी मर्जी से कोई काम शुरू नहीं किया। परेशानी से मैं राइटर भी बनना चाहता था, मैं राइटर नहीं था, लेकिन ये जो बेचैनी मेरे ज़िंदगी में आई और परेशान करने लगी तो मैं कुछ लिखने लगा, तो उसके बाद नेशनल राइटर बन गया मैं। ये भी इत्तेफाक की बात है, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये कौन सी ताकत थी कि मैं अपना गांव छोड़कर बॉम्बे में पहुंच जाऊं। फिर मैं बेसिकली प्ले राइट नाटक लिखने की कोशिश की, नाटक अच्छा लगता था, लेकिन फिर वही अड़चन थी कि नाटक में आप पैसे नहीं कमा सकते, आप जी नहीं सकते। फिर मुझे फिल्मों की तरफ रुख आया, और फिल्मों की तरफ जब रुख आया तो फिल्मों के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो फिर मुझे नए सिरे से सिनेमा देखने का मौका मिला। मैं किसी सोसाइटी का मेंबर बना, मैं लंदन गया दो तीन बार, वहाँ फिल्में देखी। उससे ज़्यादा फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, तो सिनेमा के बारे में इस तरह आज हालात ऐसे कि सिनेमा की हालत भी बहुत खस्ता हो गई है। यानी मैं पूरी लाइफ एक तरह की कंट्रडिक्शन में जीता रहा हूँ और परेशान रहा हूँ। कोई बात है कि आज जो है मोबाइल जो है उसने टेक ओवर कर लिया, सिनेमा ख़त्म हो गया, तो ये चीज़ें मुझे हमेशा परेशान करती हैं, टेंशन में डालती हैं। लेकिन फिर सवाल आता है सर्वाइव कैसे करना है, फिर एक आध फिल्म लिखता हूँ। इत्तेफाक से मुझे उन दिनों में मेरा कोई ड्रामा था किसी हाल में, तो यश चोपड़ा ने मेरा प्ले देखा, और प्ले देखने के बाद उन्होंने मुझे कभी कभी लिखने के लिए कहा। तो मेरी पहली फिल्म जो थी बड़ी फिल्म कभी कभी हुई, और उन्होंने उसको कबूल किया, बल्कि दिलीप साहब ने ये फिल्म देखी, बहुत खुश हुए कि उसकी क्रिटिकाइजेशन जुबान एक अच्छे लेवल की। तो मतलब ये इत्तेफाक की बात है, तो मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि मैं बचपन में तय करता और मैं कामयाब होता ही रोटी कमाता। हर चीज़ जो है हादसात हालात मेरे दरमियान आते गए और उनको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, तो इस तरह मैं राइटर बना।